केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज से पूर्वांचल में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत बस्ती जिले से की गई है। इस यात्रा को यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की पूर्वांचल में चुनाव की तैयारी माना जा रहा है। जन आशीर्वाद यात्रा बस्ती से रुधौली होते हुए सिद्धार्थनगर जिले पहुंचेगी। सिद्धार्थनगर से यात्रा महाराजगंज होते हुए गोरखपुर पहुंचेगी और इस जन समर्थन यात्रा को जिले भर में बड़ा सहयोग मिल रहा है। जगह जगह बड़ी संख्या में लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा मूल रूप से जनता का आशीर्वाद लेने की यात्रा है। इस यात्रा का कारण है कि प्रधानमंत्री अपने नए मंत्रियों का सदन में परिचय कराते थे, लेकिन विपक्ष के बवाल के चलते परिचय नहीं हो पाया। इस पर प्रधानमंत्री ने कटाक्ष किया था कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में लोकसभा में ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे मंत्री अब जनता के बीच जाएंगे, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद भी लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने सपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा की यात्रा को लेकर मंत्री ने कहा कि उनको यात्रा करने दो, वो अपनी यात्रा करेंगे। हम अपनी, उनका नारा है भाजपा को हराओ, हमारा नारा है 350 लाओ। महंगाई के सवाल पर मंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी की वजह से थोड़ी दिक्कत आई है, लेकिन सरकार उससे निपटने की कदम उठा रही है। इसकी वजह से मुद्रा फीसदी आज फिर 1 से 1.5% घटकर नीचे आई है। पेट्रोल डीजल की महंगाई के सवाल पर मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मामला है, लोगों के दिमाग में रहता है। भारत सरकार टैक्स लगाती है, जबकि उससे ज्यादा राज्य सरकार टैक्स लगाती है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि दाम कम हो। वहीं केंद्रीय मंत्री ने अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि वो केवल ट्विटर और अखबार में नजर आते हैं। कोरोना महामारी के दौरान हमारी सरकार दिल्ली और यूपी में, कोरोना के दौरान हमारा एक भी कार्यकर्ता, विधायक और एमपी एक मिनट बैठा नहीं है। कोविड काल में हमारे नेता कार्यकर्ता हथेली पर जान लेकर लोगों की सेवा का काम किया। केवल ट्विटर पर कह देने से कुछ नहीं होता। केंद्रीय मंत्री ने अफगानिस्तान के सवाल पर कहा कि जब जब विदेशों में कोई संकट आया है, जब से मोदी सरकार आई है, भारत के नागरिकों को पूरी तरह से चिंता की है। चाहे यमन में युद्ध छिड़ा हो, हमारे विदेश मंत्री वीके सिंह जाकर कैंप कर 400 भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकाला, बल्कि 200 विदेशियों को भारत लाकर उनके देश पहुंचाने का काम किया। कोविड के दौरान 61 लाख लोगों को विदेश से भारत लाया गया। अफगानिस्तान में हमारे 100 से 150 लोग फंसे हैं, सरकार उनको जल्द वापस लाने के प्रयास में लगी है। ये होती है सरकार, हमारी नागरिक दुनिया के किसी भी कोने में फंसे हों, सरकार उनको वापस अपने देश लाएगी। अखिलेश सरकार ने कहा कि मुझे राम हनुमान को पकड़ने की जरूरत है, मुझे विकास पकड़ने की जरूरत है, इस पर आप क्या कहेंगे? केवल ट्विटर पे अखबारों में? आज कोविड काल से लेकर अब तक हमारी सरकार दिल्ली में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन एक मिनट भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे विधायक, चाहे एमएलए, एमपी, कोई बैठा नहीं है। आप लोग के ही माध्यम से सबको पता चलता होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। कोविड काल में जो हमारे कार्यकर्ताओं ने जान पे हथेली ले रख करके और जनता की सेवा करने का काम किया, और आज हमारे जिला अध्यक्ष एक दिन भी चैन से सो नहीं पाते हैं, जनता की सेवा में ही लगे हैं। तो केवल ट्विटर पे कह देने से कुछ नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। अंत्योदय जो हमारा मकसद है, अंत तक हम विकास पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, यही हमारे काम है। अभी आज की कमी नहीं, लगातार मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया निलगाम हो रहा है, ट्विटर को लेकर उसके सीईओ इंडिया के हटा दिए गए, तो आपको ट्विटर सोशल मीडिया अध्यक्ष क्यों लगा? देखो, सोशल मीडिया और ट्विटर का एक अपना, उनका अपना संस्था है, वो किस पे लगा रहे हैं किस पे नहीं लगा रहे, हर चीज़ को सरकार तो नहीं जोड़ना चाहिए। आपकी है कि जब जब विदेशों में कहीं भी संकट आया है, जब से मोदी सरकार आई है, भारत के नागरिकों की पूर्णतः चिंता किया है। चाहे यमन में युद्ध छिड़ा, हमारे विदेश मंत्री वीके सिंह जा करके वहाँ कैंप करके अपने 400 भारतीयों को देश पहुँचाने का काम किया, बल्कि 200 विदेशियों को भी भारत पहुँचाकर उनके देश पहुँचाने का काम किया। अभी जब कोविड का महामारी आया, 61 लाख लोगों को विदेश से भारत लाने का काम हमारी भारत सरकार की
आज अभी हमारे 100-150 लोग अफगानिस्तान में भी फंसे हुए हैं, हमारी सरकार उस प्रयास में लगी है उनको भी जल्द से जल्द छुड़ाकर हम भारत जावे। ये होता है सरकार कि अपने नागरिकों का, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, उनकी जिम्मेदारी हमारी सरकार की। सपा ने भी अपनी एक नई यात्रा शुरू की है, जन क्रांति परिवर्तन, तो करने दो भैया, हम अपना कर रहे हैं उनको अपना करने दो। भाजपा को हराओ और हमारा नारा है कि 350 लाओ। ये अच्छा। महंगाई को लेकर के सर क्या कर रहे हैं? महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई देखो भैया, एक पूरी एक पैंडमिक के जो महामारी आई है, वैश्विक महामारी थी, उसमें थोड़ी दिक्कत आई है, लेकिन सरकार तमाम प्रकार के उपाय कर रहे हैं ताकि महंगाई पे कंट्रोल कर पाया जाए। और आज भी अखबार में आप लोग पढ़े होंगे कि मुद्रा फीसदी आज फिर 1.5% घट करके नीचे आई। सर पेट्रोल डीजल बहुत बड़ी, पेट्रोल डीजल देखो अंतर्राष्ट्रीय मामला है ये, और पेट्रोल डीजल पे आप लोग के दिमाग में रहता कि केवल भारत सरकार ही टैक्स लगाती है, उसमें कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट्स भी लगाते हैं, प्रयास हो रहा है कि उसको भी हम लोग करते हैं। जहाँ जहाँ आपकी सरकारें हैं, वहाँ पर जहाँ जहाँ आपकी सरकारें तहाँ तहाँ हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 99 रुपये है पेट्रोल। आप पेट्रोल डीजल की महंगाई को अगर देखते हो, अगर पेट्रोल दायरे में क्यों नहीं आके ला रहे, फिर मैं कहा कि GST काउंसिल इसका निर्णय लेगी, इसका निर्णय भारत सरकार नहीं लेती है। क्या माना जाए कि विधानसभा चुनाव के 1.5 महीने पहले जो है तेल का दाम कम हो जाएगा? अभी तो GST काउंसिल तय करेगी GST लगेगा कि नहीं लगेगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय करेगा कि दाम